दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको तीतर के अंडे और अंडों पर बैठा हुए तीतर को दिखाएंगे, कैसी जगह पर तीतर अंडे देता है और कितने अंडे होते हैं। और देखिए ये दिखा बिल्कुल जिस कलर की बाढ़ है उसी कलर का ये तीतर है, इसलिए बड़ी मुश्किल से देखने से पता लगेगा। देखो कितना आराम से बिना हिले डुले बैठा है, देख रहा है, उड़ा भी नहीं, ये सोच रहा है कि मुझे नहीं देखा है, ठीक है, और ऐसा सोच करके अपने अंडों पर बैठा है। अब देखो ये कितना रिस्की है, ये मार्ग पर अपने अंडे दे करके बैठा है। अब इससे कुत्ते भी गुजरते हैं, बिल्लियां भी गुजरती हैं, लोग भी गुजरते हैं, पता नहीं क्या क्या गुजरता है, और बावजूद बैठे हुए हैं जैसे कि उनको कोई खतरा ही नहीं है। दोस्तों तीतर के अभी अंडे देने का समय चालू हो गया है। इसके अंडे मुर्गियों से कुछ बड़े होते हैं, नहीं नहीं यार छोटे हैं, मुर्गियों से छोटे हैं और बिल्कुल वाइट है। इसके अंडे कम से कम 4 और अधिकतम 10 हो सकते हैं। फिर हमने उसको थोड़ा सा घना किया क्योंकि ये मार्ग में से दिख रहे थे, तो इसके ऊपर थोड़े से घास फूस डाला ताकि क्या ये दिखे नहीं, बेचारा कि अंडे किसी की भेंट चढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ठीक किया इसको, लेकिन फिर भी दिख तो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी सुरक्षा हो जाएगी। और देखते हैं अगर इसमें से बच्चे वगैरह निकले तो आपको बताएंगे, नहीं तो इसके अंडे आप देख लीजिए कितने मासूम हैं। और तीतर भी कितना शानदार तरीके से बैठा हुआ था। अब देखो ये बाढ़ है, अब इस बाढ़ में आर पार दिख रहा है, इसके अंदर क्या है कुछ भी तो नज़रअंदाज नहीं हो सकता, सब कुछ दिख रहा है। अब तीतर तेरे कर्म तेरे भाग्य तेरे साथ है, देखो भगवान क्या करता है।